Good morning and assalamu alaikum students. Welcome to MCBS online classes. In today's video, I'm going to start chapter 6, The Shed poem of class 7th. I'm going to explain the whole poem in this video. Let's start the poem. The Shed. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her or him describe it to the class. अब इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है कि शेड क्या होता है. क्या आपने कभी कोई शेड देखा है? शेड मेनली एक झोपड़े, एक छप्पर को कहते हैं. शेड के अलग अलग एग्जांपल्स, काउ शेड हो सकता है जिसमें काउ को रखते हैं, वैसा एक छप्पर हो सकता है, एक टूल्स को रखने वाला शेड हो सकता है, एक वुड का बना हुआ शेड हो सकता है. शेड मेनली जो होता है एक स्टोर रूम काइंड ऑफ रूम होता है जो कि घर से थोड़ा दूर बनाया जाता है और वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, कुछ एनिमल्स को रख सकते हैं, कुछ सामान हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ रीड द पोएम. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. व्हेन आई एम इन बेड आई लाय एंड आई लिसन. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. अब जो है ये पोएट बोल रहा है कि हमारे घर के गार्डन से थोड़ा दूर जो है, मतलब जहाँ पे गार्डन ख़त्म हो रहा है एकदम एंड में जाकर एक शेड है, एक छप्पर है. उसके अंदर क्या है? स्पाइडर्स वेब उसके डोर के अक्रॉस, मतलब बीचों बीच में दोनों साइड्स पर स्पाइडर के जाले हैं. एंड द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. उसके जो हिंजेस हैं, दरवाजे के हिंजेस, मतलब जो कब्जे हैं वो कैसे हैं? रस्टी हैं, मतलब उसमें जंग लगी हुई है. और वो जब भी हवा चलती है वैसे क्रीक साउंड देते हैं, ऐसे चरचराहट की आवाज़ निकालते हैं. व्हेन आई एम इन द बेड आई लाय एंड आई लिसन. जब भी मैं अपने बेड पे सोता हूँ, जब मैं लेटा होता हूँ तो मुझे उनकी उसकी आवाज़ सुनाई देती है. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. मैं एक ना एक दिन वो दरवाज़ा जो है वो ज़रूर खोलूँगा, ऐसा पोएट कह रहा है. देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड दैट साइड with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. अब पोएट इस पैराग्राफ में कह रहा है कि वहाँ पर एक डस्टी पुरानी सी विंडो है, पुरानी सी खिड़की है जो कि बहुत डस्टी, जिससे बहुत धूल जमा है उसके चारों तरफ पे, और उस पर तीन विंडो ग्लासेस लगे हुए हैं, सॉरी एक विंडो ग्लास लगा हुआ है, विंडो में ग्लास लगा हुआ है जिस पर तीन क्रैक्स आए हुए हैं. ठीक है, विंडो पे जो ग्लास लगा हुआ उस पर तीन क्रैक्स आए हुए हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. और मुझे कई बार ऐसा लगता है, अक्सर ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई मुझे घूर रहा है. स्टेयरिंग मतलब घूर रहा है. ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है. आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. मैं एक ना एक दिन उस विंडो के से झांक कर, पीप मतलब झांक कर ज़रूर देखूँगा अंदर क्या है. माई ब्रदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. अब उसके भाई ने उसे ऐसे डरा रखा है, उसको कह रखा है कि उस शेड के अंदर क्या है, गोस्ट है. गोस्ट यानी कि कोई भूत है जो कि कहाँ छुपा हुआ है, रॉटन फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छुपा हुआ है. रॉटन मतलब सड़े हुए फ्लोरबोर्ड, मतलब कोई कुछ लोग जो हैं वो कारपेट लगाते हैं, कुछ फ्लोरबोर्ड लगाते हैं, तो फ्लोरबोर्ड बहुत पुराने हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, उनके नीचे क्या छुपा हुआ है. उसके भाई का कहना है वहाँ पे एक घोस्ट, एक भूत छुपा हुआ है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. उसका भाई का कहना है कि अगर मैंने हिम्मत की उस घर के अंदर जाने की, उस शेड के अंदर जाने की, तो वो क्या करेगा, वो मेरे पर कूद जाएगा और एकदम से बाहर आके मेरा सर को है काट देगा. बट आई टेक अ पीक वन डे. लेकिन उसका कहना है एक ना एक दिन मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा. आई नो दैट देर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट. माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. अब इस पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई भी गोस्ट नहीं है, उस शेड में कोई भी गोस्ट नहीं है. मेरे भाई ने
अपने छुपने की जगह के लिए उस शेड को अपने पास रखा हुआ है। वो चाहता है कि उसकी छुपने की जगह, डेन मतलब छुपने की जगह, हाइडिंग प्लेस जो होती है, वो उसकी हाइडिंग प्लेस को कोई नहीं जान पाए, वहाँ पे कोई नहीं आए, वहाँ पे और कोई दूसरा नहीं छुपे, इसलिए वो अपने पास उस शेड को एज अ हाइडिंग प्लेस रखना चाहता है। देर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज। और वो कह रहा है कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा है, और ना ही कोई है जो कि ऐसी अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और वो कह रहा है कि स्पाइडर्स भी जो हैं वो अपने वेब, अपने जाले जाले स्पाइडर्स मीन मकड़ियाँ भी अपने जाले छोड़कर, वेब मीन्स मकड़ियाँ, और जाले छोड़कर अपने वहाँ से जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता वो कब वहाँ से जा चुकी हैं, पर लेकिन वो ये कह रहा है कि स्पाइडर्स जो हैं वो भी अपने वेब छोड़ के वहाँ से जा चुके हैं। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। और वो कह रहा है कि मैं ज़रूर एक ना एक दिन उस शेड के अंदर जाऊंगा जल्दी ही, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ना दिन ज़रूर मैं उस शेड के अंदर जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। रिसाइट द पोएम एट होम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।